नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? भगवान से मनाते हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी भी आपको आवाज़ मेरा सर्दी जैसा आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम नहा धो करके और थोड़ा सा कंप्लीट हो गए हैं, और अभी हमको थोड़ा सा नारायणपुर जाना है कुछ सामान लाने के लिए। और रिंकी अभी पूजा करने के लिए जा रही है देवी माता का मंदिर। अभी नवरात्रा चल रहा है दोस्तों, तो प्रत्येक दिन सुबह में नहा करके और रिंकी देवी जी का आराधना करती है, ताकि हमारा परिवार में सब कुछ सब कोई स्वस्थ रहे। दोस्तों, घर के सामने में एक माता काली जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। स्वीटी भी खेल रही है और रिंकी अभी जा रही है वहाँ पे कालीमंडा में पूजा करने के लिए। स्वीटी अभी खेल रही है, स्कूल का टाइम हो गया है, बैग अभी यहाँ पे रख दिया है बाहर में, और यहाँ पे अभी स्वीटी खेल रही है। और ये है मेरी सहेली, और ये है इसकी सहेली, और अभी ये स्कूल जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा नारायणपुर हमको जाना है, और फिर नारायणपुर से आने के बाद आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तब तक ब्लॉग में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे दादाजी लच्छू काट रहे हैं, और यहाँ पे पापा छान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मिलवाते हैं चाचू से। दोस्तों, अभी अभी हम नारायणपुर से घर आ चुके हैं सामान लेकर के, और कुछ सामान लाने गए थे हम नारायणपुर। तो देखते हैं पापा सामान बना करके, पापा, सोनू और भैया, तीनों व्यक्ति सामान बना करके और कंप्लीट करके रख दिए हैं। दोस्तों, आज हम सामान नहीं बना पाए, चूँकि थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, जिसके कारण आज पापा और सोनू को ही और भैया को ही सामान बनाना पड़ा। तो सामान सारा हमारा पैकिंग हो चुका है अभी हटिया के लिए। अब देख सकते हैं बोरा में भरा हुआ है, यहाँ पे भी सामान रेडी है, और यहाँ पे भी सामान रेडी है, सारा पैकिंग हो करके। और अभी सब बज रहा है, दो बज रहा है अभी, और हम लोग अभी 3 बजे हटिया निकलेंगे। जैसे प्रत्येक दिन हम लोग को हटिया तो जाना ही रहता है। तो और रिंकी और भाभी अभी क्या कर रही है, खाना तो बन चुका है। रिंकी अभी बर्तन धो रही है, आप देख सकते हैं। भाभी भी बर्तन धो रही है, दोनों मिल करके बर्तन ही धोती रहती है। हाँ। तो दोस्तों, 3 बजे निकलेंगे हम हटिया, और हटिया से आएंगे घर। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों हटिया, लगभग 3 बजे हम लोग हटिया निकलेंगे, और 3 बजे हटिया से आने के बाद 7 बजे हम लोग वापस, 7:30 बजे वापस आ जाते हैं हटिया से। फिर मिलते हैं दोस्तों हटिया से आने के बाद। दोस्तों, अभी अभी हटिया से हम घर आ चुके हैं, और आज पूरा भीग भी गए थे, सर्दी और खांसी तो पहले से है, लेकिन आज थोड़ा सा भीग भी गए। हालांकि हेलमेट पहन के गए थे, जिसके कारण माथा नहीं भींगा मेरा, तो थोड़ा सा कपड़ा भी चेंज करना पड़ा अभी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।